आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़। मैं निखिल पारजा स्वागत करता हूं आपका कंचन टीवी पर। और आज हम फिर से पहुंचे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जहां पर जो कर्मचारियों के मुद्दे थे वो हमने लगातार उठाए थे, और उसी के लिए आज हम पहुँचे हैं। ये देखिए, आज ये यहाँ पर हड़ताल की गई है और लगातार ये अपना नारा प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए देखिए, यहाँ पर लगातार कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है। चलो हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्यों इन्होंने हड़ताल की है। वैसे हमें भी पता है और आपको भी पता है। ये देखिए लगातार यहाँ पर नारे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए ये देखिए लगातार यहाँ पर नारे प्रदर्शन चल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, आइए। नमस्कार सर। तो सर जोरदार नारे प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। जैसा कि अभी इन्हें बुलाया गया है नारे प्रदर्शन की वजह से, और जैसा कि अंदर कोई ना कोई फैसला आएगा। चलिए हम इतने और किसी से बात करते हैं, आइए। तो जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं सर। हाँ जी सर, जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। हमें कल तक का टाइम दिया गया था, आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। उसके बावजूद हमें यहाँ से निकाल दिया गया। पिछली सैलरी जनवरी फरवरी मार्च की अब तक नहीं मिली है हमें। उसके बाद आगे नौकरी भी छीन ली गई है। मतलब सैलरी भी नहीं आई सर पिछली, और नौकरी भी ले। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च से तो हमें अब तक सैलरी भी नहीं मिल रही है। पहले सैलरी के लिए भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, तो उसमें हमें दो दो महीने तीन तीन महीने की सैलरी दे के और ये बोल दिया था कि हफ्ते में हमें और आगे सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं मिली। रोशन लाल की है रिकॉर्डिंग जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसने रामेश्वर यहाँ पे लड़का लगा हुआ, उससे पैसे मांगा, उसे पैसे देने के लिए बुलाया। दो रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी, जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पर लगा हुआ है रोशन लाल। ठीक है, अब ये साइन करवाते फिर रहे हैं एप्लीकेशन पे, भाई ये बोल रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, सभी कर्मचारियों से साइन करवा रहे हैं। ये सुनिए आप। हेलो, हाँ भाई, एक होटल देने कर ले, कल परसों तक हो जाएगा। अच्छी बात है, एक दिन में हो जाए ना। अगली सुना रहा हूँ। अरे भाई साहब, सबके लिए गुड न्यूज है, हमारी सहमति बन गई है भाई ठेकेदार के साथ, जो अपना संजीव जी है। तो फाइनल मोर लगी भाई, बीमा ऑफिस में तो निकलने लग रहे हैं। तो जैसा भी भाई हम बता लेंगे क्या करना के, कुछ फोन रह गया किसका, तो भाई साहब अपना वो कर लियो। क्या रही आपने? ठीक है, एक मिनट और, एक रिकॉर्डिंग हो रहा है रोशन लाल की। मलिक मेडिकल से आगे आ जा और किसी को नहीं बताइए। ठीक है, अच्छा आता हूँ भैया। कितने हैं? कितने हैं? तो अभी 20 है, 3 मैं कल तक दे दूंगा या फिर परसों तक। चलिए हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर। सर हम यहाँ 2014 से लगे हुए थे, ठीक है, 3 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पे लगे हुए को। 1 अप्रैल को यहाँ पे ठेका हुआ था। जिस टाइम ठेका हुआ हमारे पास ना तो कोई ठेकेदार आया ना कोई सुपरवाइजर आया, और हमें बिना बताए किसी नौकरी से इन्होंने निकाल दिया। हमारे पास ना कोई लेटर था ना कोई हमारी कंप्लेंट हुई थी। उसके बाद हमने 1 तारीख से 23 तारीख तक काम करा, परंतु हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग में ही लगे हुए कुछ कर्मचारी। ठेका होने से पहले हमारे यहाँ एक इस पार्क में एक मीटिंग हुई थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, भी जो भी अब नया ठेका हुआ है हम 1 रुपया नहीं देने के। हमारी ये इस बीच में बातचीत हुई थी, सभी ने हाँ भरी थी। इसमें हमारी एक यूनियन बनाई गई थी जिसमें प्रधान जितेंद्र था, उप प्रधान अपना कुलदीप डांडा था, सचिव था इसमें रोशन लाल, और सह सचिव बना रखा था बलजीत को, और सलाहकार था जो मुख्य सलाहकार वो पुनीत को बना रखा था। ये पाँचों जने ठेकेदार के द्वारा लगाए गए सुपरवाइजर संजीव सैनी के पास गए, और इन्होंने हमें बताया भाई हम वहाँ बात करने जा रहे हैं कि किसी भी कच्चे कर्मचारी को ना हटाया जाए।
ना हटाया जाए। तब इसने कुलदीप डांडा ने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि हमारी संजीव सैनी से बातचीत हो चुकी है और हम अपना अपना जुगाड़ कर लो, जुगाड़ करके वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अब भी पड़ी है, मैं वो आपको अभी दूंगा, जुगाड़ कर लो। और वो कह के यहाँ पे आ गए, इस पार्क में ये हमसे मिलने आए, तो इन्होंने हमें बोला कि संजीव सैनी से 20-20 हज़ार रुपये में हम बात फाइनल कर आए हैं, जिस वर्कर के पास 20 हज़ार रुपये हैं वो अपना अपना नाम बता दो। कई वर्करों ने अपने अपने नाम लिखवा दिए और देने के लिए हाँ भी कर ली, परंतु इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने उनको पेमेंट दी सभी कर्मचारियों ने, कुलदीप डांडा, रोशन लाल और ये पुनीत, ये तीन मुख्य हो रहे हैं संजीव सैनी के, जो बीच में ये पैसे ले लेके अपने ये लोगों को, कर्मचारियों को लगवा रहे हैं। इन्होंने 20 हज़ार के बाद 3-3 हज़ार रुपये और बुढ़ाए और बोला भाई 23-23 हज़ार रुपये में बात हो रही है। पर इसके खिलाफ हमारे जब प्रधान बनाए हुए थे जितेंद्र, वो इस चीज़ के खिलाफ था, उन्होंने मना कर दिया पैसे देने के लिए। उन्होंने साफ जवाब दे दिया भाई मैं किसी कर्मचारी को पैसे नहीं देने दूंगा, परंतु अपनी नौकरी को बचाने के लिए कर्मचारियों ने इनको पैसे भी दिए। कुछ कर्मचारियों को इन्होंने फिर नहीं लगाया जिनके पैसे इनके पास जा रखे थे, ये बलजीत, रोशनलाल और ये पुनीत और ये कुलदीप सिंह डांडा, ये बीच में बार बार लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब पैसे देने से मैंने मना किया तो कुलदीप डांडा मेरे पास कई बार आया और उन्होंने मुझे डराया भी, धमकाया भी। और उससे पहले मेरी पैर टूटा हुआ था और मैं एक मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे ना तो इन्होंने मैंने नोडल ऑफिसर के नाम एक एप्लीकेशन डाल रखी थी कि मुझे बेड रेस्ट 2 महीने का बताया गया, इस बीच में ठेका हुआ, इसमें मेरा भी नाम लिस्ट में इन्होंने नहीं आया। अप्रैल 1 से लेके 22-23 तारीख तक ना कोई सुपरवाइज़र हमारे पास था, ना कोई ठेकेदार हमारे पास था, वर्कर और हम लोग ऐसे के ऐसे सभी काम कर रहे थे ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैटर्न ऑफिस में अटेंडेंस लगाने से हमें मना कर दिया गया, जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, और लिस्ट में नाम नहीं है तो तुम्हारी यहाँ अटेंडेंस नहीं लगेगी, और बिना बताए हमें ये बोल दिया कि आप लोगों ने नौकरी पे नहीं आना है। फिर भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे निरंतर आते रहे थे, वो रेगुलर अपना कंटिन्यू करते रहे थे। उसके बाद जब लिस्ट आई तो कई लिस्टें बनी, यहाँ पे 8-9 लिस्टें बनी या फटिया, कुछ कर्मचारियों का पहली लिस्ट में नाम आ गया था, अगली लिस्ट बनाई उसमें से उसका नाम काट दिया गया था। कुलदीप डांडा जो है ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में क्लास 4 वार्ड सर्वेंट से 23 हज़ार रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटर से 32 हज़ार रुपये, लिफ्ट ऑपरेटर से 40-40 हज़ार रुपये मांग रहा है, ये मेन है। रोशन लाल की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, वो हमारे एक कर्मचारी रामेश्वर है यहाँ पे, उसने उसको पैसे दे के या मलिक मेडिकल हॉल के पास बुलाया, वो उसको पैसे भी दे के आया। रामेश्वर ने मुझे बताया भी कुलदीप डांडा, रोशन लाल उसको वहाँ मिले, और उसने रिकॉर्डिंग में साफ बोल रखा कि पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ। उसने जब बोला भाई मेरे पास 20 हज़ार हैं, 23 नहीं है, तो उसको ये भी बोला गया चल तू 20 लेके आ जा, 3 तू बाद में दे दियो। उसके बावजूद भी, पैसे देने के बावजूद भी उसका नाम ना तो यहाँ पे आया, ना उस बेचारे को अब तक पैसे उसके वापस दिए गए हैं, ठीक है। वो रोज़ हम यहाँ पे 1 अप्रैल से रोज़ धरना दे रहे हैं, रोज़ CMO ऑफिस आ रहे हैं, पर हमें सिर्फ 10 दिन का आश्वासन दे के, कभी 1 हफ्ते का आश्वासन दे के, ऐसे कह के टाल मटोल कर रहे हैं। अब भी हमें ये बोला गया था कि हाँ आपके ठेकेदार को बोल दिया है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा आप सभी लोगों का, हमने ऊपर से DG का लेटर भी इनके पास आ चुका है, ठेकेदार CMO सर ने हमें बताया भी DG का लेटर आ चुका है, हमने वो ठेकेदार को सेंड कर दिया है, और DG के लेटर में साफ साफ लिख रखा कि पुराने कर्मचारियों को ही लगाया जाए, पर ये बोलते हैं कि पिछले ठेकेदार ने 200 कर्मचारी लगा रखे थे, 121 का टेंडर था, अगर 200 जने लगा रखे थे तो इतने जनों का पैसे ठेकेदार के अपने पास से दे रहा था वो, इसने 121 जने लगाए, इसने क्या किया, चेंज कर दिया है, कोई स्वीपर है वो क्लास 4 वार्ड सर्वेंट में डाल दिया है, सिक्योरिटी वाला ऑक्सीजन वाले में डाल दिया, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला है वो क्लास 4 में डाल दिया, ऐसे ऐसे करके इसने 40-40 हज़ार रुपये लेके, पैसे लेके उनका नाम शिफ्ट कर दिया इसने, ऐसे और कुछ नए बंदे लगा लिए हैं इसने सीधा बोल। हमारी उस सुपरवाइज़र से तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कुलदीप डांडे और बोल रहे हैं तुम पे जो होता हो वो कर लो, हमारे पास राजेंद्र बूरा जी का नाम ले रहा है, किसी कोई राजेंद्र बूरा है ठेकेदार उसका नाम ले रहा है, राजेंद्र बूरा जी का हमारे सिर पे हाथ है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी अभी आपको सुनाता हूँ जो इसने डाल रखी है हमारे पास, डराता है धमकाता है, बोलता है मेरा राजनीति में बहुत तगड़ा हाथ है, तुम लोगों को मैं नहीं लगने दूंगा, जो भी कैमरे के आगे बोल रहा है
मैंने बोला, इसने मेरे को बोला, अरुण रीना एक लड़की, एक ये संदीप लड़का ये बैठा है यहाँ पे, इसको भी बोल रहा है भाई जो जो कैमरे के आगे बोल रहा है इनके नाम मैं नहीं चढ़ने दूंगा। पिछले CMO तक भी ये बात थी, सभी को पता था, प्रशासन को, यहाँ पे हॉस्पिटल में भी पैसों की डिमांड हो रही है, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इस प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया। पर जो अब CMO सर आए हैं संत लाल वर्मा जी, ये हमारे साथ से पूरा सहयोग दे रहे हैं, इन्होंने यहाँ हमसे लेटर भी लिया, इन्होंने उनको लेटर भी पहुँचाया है। DG का लेटर आने के बावजूद भी DG के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। CMO सर अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी हर एक बात बड़े प्यार से सुनते हैं, और मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे कर्मचारी CSC PSC से भी आए हुए हैं, पेवा बबैन लाडवा यहाँ से आए, जितने भी पुराने कर्मचारी हटे हैं, सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि सभी को यहाँ पर वापस लगाया जाए। मिली, चलिए यहाँ पर और भी लोग आए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, चल चल, ये देखिए, यहाँ पर सभी के सभी कर्मचारियों का सहयोग करिए। चलिए हम बात करते हैं, नमस्कार सर। ऐसे है जी, हम मिनिस्टर स्टाफ से कर्मचारी, मैं मिनिस्टर स्टाफ का प्रधान हूँ, ठीक है। सरकार की गलत नीतियों के नाते आज मैंने मिनिस्टर स्टाफ के सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि यह सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ काले बिल लगाकर उपस्थित हो, ताकि सरकार को एहसास दिलवाया जा सके कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, कच्चे पक्के, उनकी सभी की मांगों को पूर्ण किया जाए। मतलब इन सब की मांगों के लिए सर आप भी खड़े हैं? सब के लिए, सभी के सभी, मतलब ये कर्मचारी। हाँ जी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी के सभी जो कर्मचारी वर्ग है यहाँ पर एक हो चुका है, और यह काला बिल्ला लगाकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए सभी के सभी यहाँ पर हैं, ये देखिए सभी के सभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम किसी और से बात करते हैं, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सतेंद्र बोल रहे, प्रधान जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मतलब फुल पूरा प्रदर्शन किया जाए? ऐसा है जी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जो केंद्रीय कमेटी है उसके निर्णय अनुसार आज सारा हरियाणा मतलब काले बिल्ले लगाए के, जितना भी कर्मचारी है सारे के सारे काले बिल्ले अपनी गड्डियों पर काली झंडी लगाए के आज सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक तो किसानों का जो मतलब 26 नवंबर की हमारी सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल थी, और किसानों ने उस दिन दिल्ली के लिए कूच किया था, उस दिन से आज तक जो किसान धरने बैठे हैं या कर्मचारियों के मांग मुद्दे, आज तक सरकार ने कोई बातचीत के लिए कोई भी मतलब सोर्स नहीं अपनाया, और ना कोई बातचीत के लिए बुलाया है, ना कोई जैसे कोई रास्ता निकाला है। सारी की सारी कर्मचारियों की मांगे ज्यों की त्यों पेंडिंग पड़ी हैं, और किसान 6 महीने से मतलब बॉर्डरों पर मतलब ठंड में, सर्दी में, गर्मी में मतलब वहाँ सड़कों पर पड़े हैं। सरकार बिल्कुल भी मतलब तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जबकि सरकार को चाहिए था काले कानून जो बनाए हैं सरकार ने, यो कानून इतने ज़रूरी नहीं है, जनता ज़रूरी है, जनता का ऊपर मतलब शासन होता है, और यदि समझदार शासक होगा तो वो मतलब जनता की मतलब हित की बात करेगा, और जनता के सहयोग से ही कोई कानून बनाना पड़ता है तो बनाया जाए। जो जनता के लिए कानून बनाया, जब जनता उससे नाराज है या उससे खुश नहीं है, या जनता समझती है भाई हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, तो वो कानून किस काम का है? इसलिए वो कानून रद्द करके किसानों का आंदोलन तड़वाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों से, सर्व कर्मचारी संघ बार बार आंदोलन कर रहा है, सरकार को मतलब चेतावनी दे रहा है, जैसे आज हमने काले बिल्ले लगा के सरकार का विरोध किया है, एक सांकेतिक सरकार को नोटिस है भाई हमारे को बुला के बातचीत कर, अन्यथा हम आगे कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए इन सारी बातों को देखते हुए, सरकार कर्मचारी संघ है चाहे अन्य दूसरे भी कोई भी संगठन है या किसानों के संगठन है, उनसे बुला के बातचीत करके समस्याओं का हल करे और जनता के हित की बात करे। आज कोरोना काल चला हुआ है, बहुत बड़ी बीमारी, भयंकर महामारी का रूप ले चुका है, इसलिए सरकार को चाहिए भाई इन जनता को इस बीमारी से, महामारी से बचाने के लिए इनकी बातें मानने और इनके आंदोलन तड़वाए, इनको सही ढंग से अपने घर अपना जाने के लिए प्रेरित करे। और आज किसानों ने काला दिवस के रूप में भी ये दिन मनाया, तो आप उससे भी प्रेरित हैं? हम उससे सहमत हैं और सहयोग कर रहे हैं, चाहे कर्मचारियों के मुद्दे हैं चाहे किसानों के, उन सब को देखते हुए सारा का सारा कर्मचारी वर्ग है आज काले बिल्ले लगा कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अपने अपने दफ्तरों के आगे सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और काले बिल्ले लगा कर अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं विरोध सरकार के विरोध में।
जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सभी के सभी काले बिल्ले लगाकर काला दिवस के रूप में यह मना रहे हैं, और सभी के सभी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, कोई भी हैं और किसान हैं, सभी के सभी अपना काम बहुत बढ़िया तरह से कर रहे हैं और आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखिए। चलिए हम और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सभी के सभी बैठे हैं, काले बिल्ले लगाकर बैठे हैं। ये देखिए, ये काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनका जो मुद्दा उठा हुआ है उन पर कोई ना कोई जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए और इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।